ये तस्वीरें हैं लोहिया अस्पताल के उन सरकारी भवनों की जहां अस्पताल के कर्मचारी रहते हैं। भवन की स्थिति बदहाल हो चुकी है, जिस पर ना तो शासन की नजर है और ना ही प्रशासन की नजर है। यहां रहने वाले कर्मचारी डर के साए में जीने को मजबूर है। यहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहां रहने वाले कर्मचारियों का कहना है कि उनके इस खंडर रूपी आशियाने को देखने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं आए। कर्मचारियों का कहना है कि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने जब लोहिया अस्पताल का दौरा किया था तो उन्हें उम्मीद थी कि अब डिप्टी सीएम उनके खंडर रूप इस भवन को संज्ञान में लेंगे, मगर डिप्टी सीएम बिना भवन का जायजा लिए वापस लौट गए। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने साल से बिल्डिंग जर्जर बनी हुई है? ये तो वो पीछे वाली जो बिल्डिंग में अभी दोबारा काम हुआ था। अच्छा। लेकिन वो ऐसा काम हुआ कि वो फिर टूट गई बिल्डिंग। अच्छा। ये जो है ये भी देखो टूटी पूरी बिल्डिंग है। अच्छा। है ना, ये कल परसों ये बच गए भैया हमारे। अच्छा। इनका उठना हुआ, उधर पेशाब करने गए और तुरंत एक पत्थर गिरा है, अब तो बच गए ये। नहीं तो लगता है कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहा है। अधिकारी तो आज तक कभी कर्मचारियों के बीच में घूमने ही नहीं आए हैं। अच्छा। हाँ, जब से ये लोहिया बनाया गया है। अच्छा। हाँ, अब हमारे यहाँ पर मंत्री जी आए थे, आपके सब लोग आते हैं। मंत्री जी को बताता ही नहीं कोई, बहका के उधर ही सुधरी रखते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, इधर ना आओ कोई। अच्छा, इधर कमाने खाने का मामला है। अच्छा, अच्छा, ठीक। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को लिखित में शिकायत भी दी गई, पर किसी ने सुध नहीं ली है। यहाँ अगर कोई भी बड़ा हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अधिकारी होंगे। कर्मचारियों का कहना है कि भवनों के कमरों की छत पर लगा सीमेंट टूट टूट कर जब नीचे गिरता है तब उन्हें ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी का लम्हा गिर रहा हो। इन भवनों की हालत ये है कि जब बारिश होती है तो बाहर बरसात का पानी थम जाता है, लेकिन भवनों के अंदर बारिश का मौसम बना रहता है। कहा कि किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। क्यों नहीं? सर जी क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, आप यहाँ लोहिया कंपार्टमेंट में रहते हैं आवास में, ये जर्जर की स्थिति में डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है साहब। कैसे डर लगता है ये तो? अरे निकलते उधर से, निकलते इधर से, निकलते कैसे, चुप 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 निकलते हैं। और क्या, और बताओ। ये कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहा है? कोई 50 दफा लिख के देख लेगा। अच्छा, तो ये कभी भी गिर सकती है? कभी भी कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है। हादसा होने का इंतजार हो रहा है। अच्छा, कोई सुध नहीं ले रहा है? कोई सुध नहीं ले रहा। ठेकेदार उसको कहना है, अंतरा जिसको भी कह रखा है हमने, कुछ नहीं होता है। वो भी देख के सर्वे हो जाता है पूरा, और कुछ नहीं होता है। वही भवनों की जर्जर हालत को लेकर जब सीएमएस साहब से बात की गई तो सीएमएस साहब सरकारी आवास की शिफ्टिंग का प्रोसेस समझाने लगे। सर जी क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिला पुरुष चिकित्सालय का सीएमएस हूँ। अच्छा, आप ये बताए कि आप भी जर्जर भवन के में रहते हैं और कहीं ना कहीं आपके आसपास जो कर्मचारी रहते हैं वो भी जर्जर भवन की स्थिति में रह रहे हैं, उनकी फैमिली, तो ये कभी भी हादसा हो सकता है, भवन गिर सकते हैं, सर क्या लगता है? चूंकि डॉक्टर्स रेजिडेंट जितने हैं ये लगभग अंदर से रिपेयर हैं, बाहर के छज्जे चूंकि ये 25 साल से ऊपर हो गए हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं, इनकी रिपेयरिंग के लिए AEJE को कहा गया है। वो कह रहे हैं फेज मैनर में इसका रिपेयरिंग करेंगे। अभी रिपेयरिंग शुरू हुई है। अभी अस्पताल में जो पेशेंट का परिसर था, अस्पताल बिल्डिंग थी, मरीज का एरिया था, उसकी रिपेयरिंग हुई है। अब रिपेयरिंग चूंकि एक नंबर क्वार्टर से शुरू हुई है, अभी सीएमएस आवास बाहर से रिपेयर किया गया, अंदर से अब जो अन्य आवास डॉक्टरों के रिपेयर हो जाएंगे। आप भी जर्जर भवन के सेकंड फ्लोर पे जो बना हुआ है नीचे रहते हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है जर्जर की भवन, ऊपर वाला खराब है, जर्जर ऊपर वाला पोर्शन अंदर से तो रिपेयर है, बाहर की स्थिति अभी रिपेयर होनी है। इनके छज्जा टूटने के लिए कहा गया था, तो चूंकि ये डॉक्टर यहाँ से अभी वर्क में नहीं है, इन्हें जॉब छोड़ दिया है, इन्हें हाई कोर्ट से रिट ले रखी है, स्टे पर हैं, जो ये मकान खाली करेंगे इनके मकान रिपेयर करा दिया जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि आपके इधर पीछे वाले बिल्डिंग तो ऐसी स्थिति में है कि कभी भी छूते हैं तो प्लास्टर गिरता है और वहाँ पर फैमिली रह रही है। अब चूंकि हमारे यहाँ 158 आवास हैं, जिनमें अधिकांश आवास थे करीब 30-32 आवास अनाधिकृत रूप से कब्जे में थे। अभी पिछले 2 महीने पहले ही लगभग 98% आवास अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कराए जा चुके हैं। जो बिल्डिंग 2 ब्लॉक हमारे जर्जर अवस्था में हैं, उन ब्लॉक में जो भी मकान खाली हो रहे हैं उनके कर्मचारियों को शिफ्ट करने के लिए योजना बनाई जा रही है कि जो आवास खाली हों, जो उसमें से जर्जर बिल्डिंग को खाली कर दें, अन्यथा उनसे कहा गया है कि जो ही सिविल का वर्क प्रारंभ होता है आप इन आवास को खाली कर दिए, इससे फेज मैनर में ये नीचे से ऊपर की तरफ आवास रिपेयर कराए जा सकें। इस वजह इसके लिए संबंधित विभागीय जो सिविल के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर हैं उन्हें मैपिंग कर ली है कि इस आवास के रिपेयरिंग के लिए क्या क्या कार्य करना है।
संबंधित के लिए बजट की स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। जो ही बजट मार्च में अप्रैल में मिलता है, इन समस्त आवासों की रिपेयरिंग और मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। लोहिया अस्पताल के कर्मचारियों की ये बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग को मुंह चढ़ा रही है। इमारत कह रही है, तुम्हारे विकास के सारे पैमाने झूठे हैं, अगर वो सच्चे होते तो फिर इस बिल्डिंग की तस्वीर जरूर बदलती। अगर बदलते हैं तो केवल कैलेंडर में साल के पड़ने, आश्वासन देने वाले अधिकारियों के चेहरे नहीं बदलती है तो इस बिल्डिंग की तकदीर आज कुछ और होती। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।